नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं एक बेहद खास सीरीज का बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। तो भैया, आज जो विषय लेकर के आए हैं आप लोगों के निमित्त, वो ग्रहों के राजा के विषय में है, सूर्य के विषय में है। सिंह राशि का स्वामी ग्रहों में राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह, आत्मा का कारक, जीवनी शक्ति का कारक, जीवन के मूल मर्म का कारक आपका सूर्य होता है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव और लग्न में भी थोड़ा बहुत ये अपना असर दिखाता है, क्योंकि लग्न सूर्य का उच्च स्थान होता है, जिससे उसकी पहचान होती है। लग्न क्या है? व्यक्ति का चेहरा। इस पर सूर्य उजाला हुआ तो पता चला संतोष, पता चला दिनेश। तो चेहरे पर प्रकाश पड़ते ही चेहरा, तो लग्न इसका उच्च स्थान होता है। लग्न सूर्य का उच्च स्थान होता है। काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न की मान्यता है, एक नंबर की मान्यता है, तो उसी से कनेक्ट कर लीजिए। आपके कुंडली का सूर्य कितने सद्गुणों से व्याप्त होता है, यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका नाम हमने कार्यक्रम का रखा है अथ श्री सूर्य कथा। ये बड़ी आधुनिक परिभाषा है जो आज के वाई जनरेशन को अट्रैक्ट करेगी। आज जो यूथ है, आज जो बच्चे हमारे हैं सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं से बारहवीं के, जो हर एक चीज में लॉजिक तलाश करते हैं, जिनको ज्योतिष अंधविश्वास सा लगता है, क्योंकि बाकी पंडित जी लोग उनकी माताओं को उनके पिताओं को इसी तरह से दिखाया कि पत्थर पहना दीजिए भाग्य बदल जाएगा, तो बच्चे कहते हैं कैसे? तो माता पिता कहते हैं प्रश्न करते हो, सवाल करते हो, माँ बाप से जवाब लड़ाते हो, हमने कहा ना, ऐसे कहा ना, वैसे कहा ना। जैसे वो गोला वाली पिक्चर थी पीके, लॉजिक बताऊंगा, उसे समझना होगा। ठीक उसी तरह से आपकी समझ में आएगा जैसे बाप और बच्चे का डीएनए मैच करता है, वो भी एक सूत्र है, कुछ लोगों के विचारों की देन का सूत्र है। सूर्य है क्या? आपका बच्चा भूखा हो और आप कुछ खाते हुए यहां रुक जाएं, सूर्य है। आपके बच्चे को बुखार हो और नींद आपकी आंखों से उड़ जाए, सूर्य है। प्रमाण पत्र में लिखा हो फला 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 ने टॉप किया और खुशी के आंसू जिस आंख से निकले, सूर्य है। आप जेल में हैं, उसे पता है कि आप अपराधी हैं,
फिर भी आपके बाहर लाने के लिए उसने खुद को गिरवी रख दिया, सूर्य है। किसी ने आपको दो शब्द कह दिए, आप रोते हुए घर के अंदर प्रवेश किए, इतनी सी देर में जिसने आकाश को सर पे उठा लिया, सूर्य है। अब आते हैं सूर्य के कुछ और एंगल्स पे। ये वाला एंगल देखिएगा, मजा आएगा आपको। आपके अपराध करने पर जो बाहर किसी से लड़ा था, घर आने पर आपको चार लाठी मारे, उच्च वाला सूर्य है। उच्च वाला सूर्य है, मजा आएगा। देखिए जो मैं बोल रहा हूं, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं। यहां तक अथश्री सूर्य कथा को आपने नहीं सुना होगा, ये सबसे हटकर वाला सूर्य है। आपने किसी कन्या के साथ अभद्र व्यवहार किया, कन्या के पिता जब आपके घर शिकायत लेकर आए और जो आपको उठा के पटक कर मारे, मजबूत वाला सूर्य है। मजबूत वाला सूर्य है। भोजन में नमक बिल्कुल कम पसंद है, सूर्य है। मांस की तरफ, नॉनवेज की तरफ जो थू करके देखे, सूर्य है। जिसको मल की तरह दिखाई दे नॉनवेज, जिसको लैट्रिन की तरह दिखाई दे नॉनवेज, मजेदार वाला सूर्य है। ये सूर्य का कुछ वो गुण है जो पाने के लिए कोई भी तरस सकता है, कोई भी तड़प सकता है, और यही सूर्य आपको भारत रत्न बनाता है। आपके जीवन में प्रसिद्धि और प्रकांडता लेकर के आता है। आपके देश का गौरव आप बनते हैं, आप प्रकाशित होते हैं, आप दैदीप्यमान होते हैं। सद्भाव सद्विचारों के लिए आपको इनाम मिलता है। किसी भी तरह के अवार्ड में मूल में सूर्य होता है, ये सूर्य की पराकाष्ठा है। और चरम पर सूर्य वहां होता है जब आपकी मिट्टी पर तिरंगा लिपटा होता है, मृत्यु के बाद भी आप शान से जाते हैं। इससे बड़ा उच्च सूर्य, इससे बड़ा प्रसिद्धिदायक सूर्य इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अपने बच्चों को मैं खासतौर पर बताता हूं जो हमारे टीनेजर्स हैं, कि जहां भी प्रसिद्धि है, फेम है, सद्भाव से, वहीं पर सूर्य है, वहीं पर सूर्य कथा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यार बनाए रखने के लिए। सूर्य के बारे में इस रोचक जानकारी को आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइएगा, खूब दबा करके इस कार्यक्रम को शेयर करिएगा। 9-10-11 तारीख नवंबर में आप कलकत्ता में मुलाकात कर सकते हैं और 8 नवंबर तक गाजियाबाद में। बहुत आभार आप लोगों के इस प्यार का। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।